बड़ी खबर यह है, संसद भवन पर हमले की 19वीं बरसी है आज और प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वो संसद भवन पहुंचे जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संसद पर कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ट्वीट कर उन्होंने सबसे पहले तो उन शहीदों को याद किया और फिर उन्होंने कहा कि कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे, शहीदों के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, अबसे थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे थे और वहां पर आज 19वीं बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे प्रधानमंत्री ने। और साथ ही आज ट्वीट कर सुबह सुबह उन्होंने कहा कि इस कायरतापूर्ण हमले को देश कभी नहीं भूलेगा, शहीदों के बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री मोदी पर मुड़ी। और जो सामने आप देख रहे हैं वो गेट नंबर 11 है, जहां से वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे जो गणमान्य लोग हैं वो वहां से संसद भवन में जाते हैं। वहां पर एक आतंकवादी जो कि ह्यूमन बॉम्ब था वो वहां पर गया और उसने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि वहां पर ऊपर तक जो है मास्क के लोथड़े ऊपर लगे हुए हैं, मास्क चारों तरफ फैला हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस, दिल्ली पुलिस यहां पर है, सीआरपीएफ यहां पर मौजूद है और ब्लैक कैट कमांडोज यहां पर मौजूद हैं। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।